अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं मैच खेलने के लिए आया हूँ F9 पार्क ग्राउंड में। तो ये मैच हो रहा है बैक साइड पे। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ये मैच को कवर करूँगा आज, और मैं भी खेल रहा हूँ। पहला मैच हम खेले, हम जीत चुके हैं, और ये नेक्स्ट मैच हो रहा है, इसके बाद हमारा मैच भी होना है, तो इसका भी मैं कवरेज करूँगा। और अंपायर का इशारा देखने में बॉल लग से गई है बॉल, और अंपायर ने अपने बाजू खोल के बताया कि यह भी वाइड बॉल है। फजील अपने दूसरे वाइड बॉल कंटिन्यू करते हुए जैसे जैसे अपना वजन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी बैटिंग स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं। बहुत जबरदस्त, और इस मर्त बॉल था जमा रहा है, इस मर्त बॉल एक और शानदार छक्का ओवर के बल्ले से निकलता हुआ, पहला छक्का ओवर के बल्ले से निकलता हुआ, और फजील को यह अटक की तरफ से दूसरा ओवर करने के लिए जा रहे हैं, और ओवर उठा के मारा है, इस बार तो बहुत बुलंद वाला एक और छक्का, शानदार बल्लेबाजी का अमृत ईशान, इस बार तो नवर वॉरियर्स के तरीके से बैक पे आ रही है, और क्या बात की है, शानदार गेंद करके आमर की नींद का खात्मा किया, और इसमें नवर वॉरियर्स को पहला नुकसान उठाना पड़ा। आमर की आउट स्विंगिंग डिलीवरी थी, विकेट दे बैठे, और माजिद ने उसको पुश किया, ओ फील्डर गिर गया, चांस था जो मिस किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन यॉर्कर लग गया उनको, परफेक्ट यॉर्कर लग गया। बहुत नफी तोली बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी टीम हमेशा से बहुत कामयाबियां समेटती रही, और ये बहुत ही लेग साइड पे शॉट मारी 6 रन, और 100 मीटर का छक्का मजीद के बल्ले से बनता हुआ, और नॉर्दर्न वॉरियर्स ने आते ही बता दिया कि दूसरी टीम ने बता दिया कि नॉर्दर्न वॉरियर्स असल में वॉरियर्स है, जिन्होंने दूसरा तो बहुत ही शानदार मैच हो रहा है। सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, एक मैच हो चुका है हमारा इस्लामाबाद ईगल्स का, अब दूसरा मैच हो रहा है। बहुत ही प्यारा ग्राउंड, ग्रासी ग्राउंड है, और ये बॉलर ने बॉल की लेग साइड पे खेल दिया फील्डर ने, और ये 6 रन, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बैट्समैन, 6 पे 6 जा रहा है, स्कोर बहुत हाई होगा। अभी दूसरे ओवर का खेल जा रही है, और चार चार ओवर है, और ये कैच, कैच था लेकिन कोशिश की कीपर ने, लेकिन कैच ड्रॉप कर लिया। इंतजार करके क्या ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने शॉट, बेस्ट बॉल ऑफ द मैच, और नमान अकबर क्या इस मरतबा जलवा दिखा पाएंगे नहीं, ये 4 ओवरों का मैच खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टीम आएगी, वो बैटिंग करेगी। अब नेक्स्ट टीम आ चुकी है, 71 रन का टारगेट दिया, और ये अब चेज करने के लिए पहला ओवर शुरू हुआ है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या होता है। बॉलर ने स्टार्ट लिया, और ये बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं बॉल की, और ये शॉर्ट कैच पीछे कीपर के हाथ में कैच, और ये आउट कर दिया, पहली विकेट का नुकसान हुआ है अटैक वालों को। इनको पता है कि टारगेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए चेज नहीं हो सकता, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सकता है चेज करना चाहिए इनको, क्योंकि लास्ट पे स्कोर भी काउंट होगा, तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। अटैक की टीम बहुत मशहूर है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि वही पार्क है जहाँ शेब अख्तर भी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, और ये बॉल की
अच्छी बॉल, खिलाड़ी का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो चार स्कोर हो सकता था। और यार किया बहुत जबरदस्त बॉल थी, अच्छी बॉल की है, हो सकता है देखते हैं होता है कि नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग अरुण की, और ये मैं बताता चलूँ कि बैंक अल हबीब की ये टीम है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ की, तो ये सारे प्लेयर्स बैंक के हैं, सारे बैंकर्स हैं। और ये बॉल की अच्छी बॉल, सख्त बॉल रख रहे हैं, कोई चांस नहीं दे रहे बॉल हिट करने का। और ये बहुत ही अच्छी शॉट ऑफ साइड पे, सिक्स रन। बहुत बढ़िया, खड़े होने का स्टाइल ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। आप क्या कहते हैं मुझे? बिल्कुल अभी पता चलेगा। और जैसे उन्होंने बॉल हवा में उठाई और बॉल बाउंड्री से बाहर, और ये जी बॉल घुमाते हुए हाथ में भागते हुए, और ये बॉल फेंकते हुए और बॉल हवा में, छह रन। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी का उपयोग, ईशान भाई आमिर मोहम्मद आमिर की तरह बॉलिंग करते हुए, मोहम्मद आमिर वाला स्टाइल है जो है वो ईशान को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। 007 की शर्ट पहने हुए जेम्स बॉन्ड, ओह गुड, जवान साहब जैसे कहते हैं नहीं छोड़ते, उन्होंने ये बॉल भी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा कमबैक किया ईशान ने, आईटी के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हुए इस विकेट को लेने में। ईशान साहब अच्छी बॉलिंग करते हुए, ऐसे मौके पे ईशान को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैच तो पूरी तरह इनके हाथ में है। ईशान परेशान भी नहीं होते, हैरान भी नहीं होते, और ये बैक साइड पे 6 रन छक्का। मोसी ने हैरान और परेशान कर दिया। लास्ट ओवर का मैच जारी है और ये मैच बॉलिंग मैच जीत चुकी है बॉलिंग साइड। बहुत जबरदस्त इवेंट का एहतमाम किया है एक ओवर में, क्योंकि 40 रन चाहिए थे। और हवा में फील्डर बॉल की तरफ पड़ते हुए और ये कैच, बढ़िया, बहुत जबरदस्त कैच किया है। मलिक फैसल साहब अब अपनी जहराना बैटिंग दिखाएंगे। एक बॉलर के लिए भी छीला हुआ मानता है या वो खुद छीलेगा? निशान की लाइन लेंथ अच्छी नहीं है। क्योंकि निशान थोड़े थके हुए भी हैं, जितना उन्होंने जोर यहाँ कमेंट्री में लगा दिया है अपना, वो अब वहाँ पे पूरा जोर लगा नहीं सक रहे। मोहसिन मैं सोच ही रहा था कि हुआ क्या है आखिर निशान को, और आपने बहुत अच्छा बयान कर दिया। बैट्समैन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा। This is a cross ball and he hit it right on the ground. Big six. Oh, right on the block ball, right on the block ball, going to cross the center.
Ryan Truscan. Going towards the last wall. This match is going towards the last wall. Maybe. सबसे जारहाना मुकाबला देखने को मिला है. अपनी अपनी सीट पे जमे रही है. दो बॉल्स रह गई हैं. Thirty-eight and six runs required. छह स्कोर चाहिए दो बॉल्स पे. बॉल कर दिया और बॉल कर दिया ना. लास्ट बॉल. Who is going to be the next bat? और बहुत क्रूशियल बॉल है नाज़रीन. आखिरी बॉल तक ये मैच आया है और इस बॉल पर फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा ये मैच. ओ जिंदा मैच. ओ सिंगल. और इस तरह टकेरिए ने मैच जीत लिया है 4 रन से. टकेरिए ने